फिर ये देखें जी, एयर फिल्टर्स पड़े हुए हैं, बैटरीज आ गई। ये बताएंगे जी कितने के खरीदे हैं, कितने एसी खरीदे एक लॉट में? एक लॉट में दो एसी हैं तो कितने के पड़े हैं? एक एसी या दोनों? दोनों। और कितने टन है? दो टन के। जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम इब्रार, और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत होंगे। आज की वीडियो काफ़ी मज़े की होने वाली है और मैं ना आप लोगों का पीछा छोड़ने नहीं वाला। मैंने कहा चलें आज आपको एक और इंटरटेनिंग वीडियो दिखा दूं। बहरहाल यहाँ पे हम थोड़ा सा लेट पहुँच गए हैं। इसमें सीन ऐसा है कि यहाँ पे LV ऑक्शन पे आया हुआ हूँ और पहले भी कभी बहुत बार आया हूँ इधर। आप लोग एड्रेस वगैरह पूछते थे, मैं आप लोगों को सिंपल बता देता था कि यार कोई इतना मुश्किल नहीं है, फेसबुक पे जाके LV ऑक्शन नीर लिखना है तो उसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, एड्रेस समेत लोकेशन मैप लोकेशन में मिल जाएगी। है ये इस्लामाबाद G12-13 में ये वाक़ है, ठीक है ना, जगह लोकेशन है। और अभी देखते हैं यहाँ पे क्या सीन होता है और बिक चुकी हैं चीज़ें, लोगों से इन्फॉर्मेशन लेते हैं और वही बताएँगे कि हाँ भाई यहाँ पर आना मुनासिब है कि नहीं। तो साथ रहिएगा, इन्जॉय कीजिए। ले बॉयज़, अभी मैं पहुँचा हूँ और आज हमारा लेट सीन हुआ है और ऑक्शन ख़त्म हो चुकी है। बाकी अंदर जाके सीन दिखाता हूँ और ये क्या है सारा सीन बताता हूँ, साथ रहिएगा। जैसे कि बॉयज़ देख सकते हैं, इधर ऑक्शन होती है, बिड लगती है, वो सामने स्क्रीन लगी हुई है, ठीक है। और ये सामान था जिसकी ऑक्शन हो चुकी है और सिर्फ आपको दिखाने के वीडियो दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर ऑक्शन किस तरह मतलब कि लगी हुई है और क्या क्या सामान आता है। लेकिन इतना याद रखिए कि सामान सस्ता नहीं होता, ठीक है, जिस तरह ये एसी पड़े हुए हैं। और ये है ओवंस, आगे वॉशिंग मशीन्स, ये सारी फ्रिज पर ही लाइन है, ये जिस तरह के देख सकते हैं, ये सारी फ्रिजेस वगैरह हैं। और इस साइड हमारा थोड़ा सा टेक प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं जो कि मैं कहता हूँ कि यार जिस तरह के लेदर प्रिंटर, ठीक है, ये CPUs पड़े हुए हैं, ये देखें। मैं ज़रा माइक लगा लूँ, ज़रा बात करता हूँ जी बॉयज़, अब बात करते हैं। और यहाँ पे ना मुझे अभी भी लग रहा है कि काफ़ी चीज़ें सेल नहीं हुई, इनकी दोबारा ऑक्शन मेरे ख्याल से होगी क्योंकि बहुत से कम चीज़ें जो हैं लोग उठा के लेके जा रहे हैं। जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वैक्यूम क्लीनर से पहले एक होता था कि लॉट ना पूरी आपको बाय करनी पड़ती थी, अब इन्होंने ना छोटे छोटे लॉट बना दिए, मतलब 4 पीस आपको ख़रीदने पड़ेंगे और ठीक है, फिर ये 4 पीस का, ये 5 पीस का, ये सारा सेट बना दिए। तो ये सीन है यहाँ पे। और इस तरफ अगर आप देखें ना तो ये एक पूरी लॉट आपको बाय करनी पड़ेगी अगर कंप्यूटर की रेंज चाहिए तो, जिसमें माउस हैं, कीबोर्ड हैं, LCD हैं और CPU पड़े हुए हैं, ठीक है। और ये वाली पूरी लॉट आपको बाय करनी पड़नी थी जिसके अंदर मेरे मतलब ये LED भी पड़ी है यार। अच्छा, बाकी ये सारी चीज़ देख सकते हैं, आगे देखते हैं। तो मैं ना जल्दी आना था लेकिन आने का कोई फ़ायदा नहीं था, मैंने कोई चीज़ ख़रीदी तो नहीं थी, मैं यहाँ पे विंडो शॉपिंग ही करने आया था आप लोगों के लिए। ये हीटर्स हैं मेरे ख्याल से, ये हीटर पड़े हुए हैं, ठीक है। और इस साइड और दूसरी साइड भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सारे CPU पड़े हैं, ठीक है। और इस साइड आपके पड़े हैं प्रिंटर्स और जो कि वो फोटोस्टेट मशीन जो होती है, ठीक है, ये पता नहीं किस तरह की मशीन है। अच्छा, वहाँ पे बड़ी LED भी पड़ी है 42 इंच या 38 इंच वाली, वो भी दिखाता हूँ। ये देखें लोग सामान ख़रीद के लेके जा रहे हैं, देखें जिनका सौदा बनता है वो लेके जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ से चीज़ नहीं मिलती, लेकिन इसमें कमी पेशी वाला कोई सीन नहीं है। किसी से मैं पूछूँगा कि कितने का सामान लिया, क्या सीन है। वट इज़ दिस? अच्छा यार, कितना VIP स्विच बोर्ड है कसम से। कनेक्ट टू बैटरी यार, बड़ा फिट चीज़ है यार। ये चार्जर भी है, मोबाइल को चार्ज भी कर रहा है, सॉकेट भी लगा सकते हैं और ये ख़ुद भी चार्ज हो रहा है, मतलब UPS है किस्म का, स्विच बोर्ड वाला UPS। पूरी अब ये किसी ने ख़रीदना होना पूरी लॉट ख़रीदेगा। अब ये देखें, ये क्लीनर हैं कितने बड़े बड़े, ये मेरे ख्याल से एयरपोर्ट्स वगैरह इस तरह की जगह पे यूज़ होते हैं। और ये पड़े हुए स्टेबलाइजर्स और ये हार्ड ड्राइव सिस्टम्स हैं सारे। और ये चेक करें ये क्या चीज़ है, हैं, मिनी PC HP का, मिनी PC देखें कितना छोटा है।
ये सारे पीसी पड़े हुए हैं, पीसी इस बार बहुत पड़े हुए हैं। देखने वाला सीन है यार यहाँ पे, बेहतरीन। अच्छा, काफ़ी सामान यहाँ से ख़त्म हो चुका है। तो ये है एलबी ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे इस साइड में सारा फर्नीचर है, ये साइड अगर आप देखें तो सारा फर्नीचर है, ठीक है जी। फर्नीचर का भी यही सीन चल रहा है, फर्नीचर भी दिखा देता हूँ। कुछ लोग मर्द हज़रात फर्नीचर के शौकीन होते हैं, तो ये अब ये पूरा का पूरा फर्नीचर एक ही लॉट में है, लॉट नंबर 52, जिसके अंदर टेबल, ड्रेसिंग टेबल है, साइड टेबल है, फिर इसके बाद बुक, क्या कहते हैं, रीडिंग टेबल है, बुक शेल्फ है, और ये चेयर है। यार गोरे 1990 का डिज़ाइन क्यों रखते थे, मुझे ये समझ नहीं आती। ये है वैसे उनकी ना ऑप्शन। तो अगर आपने नेक्स्ट टाइम के लिए एक्टिव रहना है तो फेसबुक पे इनका पेज है एलवी ऑक्शनीर, क्या वहाँ पे जाके आप फॉलो कर लें इनको, बेशक उधर से आपको ना ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखो यार, कोई डॉलर शालर ही मिल जाए। अच्छा, मैंने आना था 2 दिन पहले, लेकिन वो जो मेरा दोस्त है इधर जो ये ऑक्शन कराते हैं, वो ना कराची चला गया, नहीं तो मैं पहले ला के तसल्ली से आपको चीज़ें दिखाता और दोस्त से इन्फॉर्मेशन भी लेके देता आपको। खैर कोई नहीं, अभी आप खाली ये इन्जॉय कर सकते हैं, इसमें से आप कोई चीज़ ख़रीद नहीं सकते, ना ही मैं ख़रीद सकता हूँ, क्योंकि ये आपको मैंने पहले बताया था कि थोड़ा सा बड़ा सीन है बिज़नेस का, तो पैसे मतलब के अच्छे होने चाहिए और इन्वेस्टमेंट करनी है फॉर सेल के लिए सामान लेना तो ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 4 वैक्यूम क्लीनर क्या करेंगे ख़रीद के, ये सीन है। तो यहाँ पे ज़रूरत के मुताबिक सामान नहीं मिल सकता, पूरा का पूरा बाय करना पड़ता है, या तो 4-5 दोस्त मिल के इकट्ठे सामान ख़रीद लें। अभी ये सी स्टैंड देखें, अब ये बेड शीट्स हैं, पिलोज़ हैं, ये पंखे भी पड़े हुए हैं, ये देखें। अच्छा, इस साइड में बर्तन भी पड़े हैं। नहीं 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 नहीं, कॉफ़ी मेकर्स हैं, ये इलेक्ट्रिक केटल्स हैं, और ये टोस्टर्स हैं, और अच्छे वाले टोस्टर्स हैं, फिलिप्स के पड़े हुए हैं। ये इलेक्ट्रिक केटल्स हैं, इलेक्ट्रिक केटल्स, ये आयरन्स, ठीक है। और ये आपके आ गए जी वुडन के चमटा। और ये पता नहीं बायोजेट लिखा हुआ है, जेट फ्यूल तो नहीं है ये? टैंक वेस्ट वाटर टर्मिनेट एडिटिव। फिर ये देखें जी, एयर फिल्टर्स पड़े हुए हैं, ठीक है जी। इसमें क्या है, ये क्या चीज़ है पता नहीं, कुछ है, गाड़ी का ही पार्ट है कोई, पेंट, ठीक है जी। और क्या पड़ा हुआ है, टाइमिंग बेल्ट, गाड़ी का सामान भी है यार। ये देखें, वो ग्रीस पड़ी हैं, सिलिकॉन्स पड़ी हैं। ओ रास्ता बंद हो जाएगा, ये कितने की खरीदी है जी लॉट? टोटल पूरी जो है 1,75,000। इसमें क्या क्या है? 3,10,000 में पड़ा है, पूरा बेड सेट है। पूरा बेड सेट है 3,10,000 में? यार तो बड़ा महंगा सीन है। अच्छा जी, ये देखें जी, सारे बर्तन पड़े हुए इस साइड, और ये देखें पाइप्स, होज पाइप्स, ये आपका जो बाथरूम के पाइप्स, ठीक है जी। और इस साइड क्या है, ठीक है चीज़ है। अच्छा, टाइमिंग बेल्ट्स अगेन आ गई, बैटरीज आ गई। यार एक आध बैटरी काट दो यार, मैं अपनी गाड़ी में डाल लूँगा, ये लगता किसी ने ख़रीदी नहीं है, महंगी होगी ज़रूर। और कितने पेयर वाली बैटरी पड़ी है, 65 पेयर की मेरे ख्याल से लग रही है। बाथरूम का सामान, वाटर मोटर, डेल, HP। अब उस साइड जाते हैं, फ्रिजेस, और वो दिखाते हैं आपको, एक्सन के AC हैं भाई, एक्सन इज़ द नंबर 1 ब्रांड इन पाकिस्तान, ठीक है।
तो सबसे नंबर वन ब्रांड चल रहा है एक्शन और सबसे महंगा ब्रांड है एसी में। ये बताएंगे जी कितने के खरीदे, कितने एसी खरीदे एक लॉट में? एक लॉट में दो एसी हैं तो कितने के पड़े? 143 एक एसी या दोनों? दोनों। और कितने टन है? दो टन दो टन के, ठीक है। और इन्वर्टर है? इन्वर्टर है ये वाले, फिर तो बड़े मुनासिब पड़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह जबरदस्त 143 का। अच्छा ये सारे बिक चुके हैं, दोबारा लगनी है? बिक चुके हैं सारा, बिक चुका है माल। हाँ जी, अब फिर जब दोबारा होगी ऑप्शन तब। हाँ ये भी सही है बाबा जी, एसी बहुत सस्ता बिका है 143 में दो, और दो टन का, वो भी इन्वर्टर लिखा था उसके ऊपर, बेशक अंदर हीटर ना हो। एक इन्वर्टर होता है, एक डीसी इन्वर्टर होता है, अब कौन सा इन्वर्टर है ये मुझे नहीं पता, डीसी नहीं लिखा था। हाँ देखो दोबारा, जो दोबारा जा गए, किधर गया ये पड़ा हुआ। एक तस्वीर खींच सकता हूँ इसकी? हाँ जी हाँ जी। अच्छा एक इन्वर्टर होता है, एक डीसी इन्वर्टर होता है, ये कौन? ये इन्वर्टर ही है। इन्वर्टर ही है, ठीक है। डीसी नहीं लिखा हुआ, चले सही हो गया, रास्ता देंगे मेहरबानी जी। बस ये चीज़ आपने मुझे भी थोड़ा सा नॉलेज में देना है, डीसी इन्वर्टर एक अलग चीज़ है और इन्वर्टर एक अलग चीज़ है, तो इन्वर्टर क्या चीज़ है वो भी आपने बताना है, क्या उसकी मार्केट इतनी ही है तो ये मुझे आपने बताना है, ठीक है। बाकी फ्रिजेस वगैरह देखते हैं, कोई आइसक्रीम वगैरह मिल जाए खाने को। अच्छा फ्रिजेस भी सारी इम्पोर्टेड है, पाकिस्तानी नहीं है, मतलब वो जो हायर शायर की होती है ना वो नहीं है। तो मेरे ख्याल से बस आपको दिखा दिए, फर्नीचर है वो आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे उसके अंदर, मैं उसमें क्या दिखाऊंगा। और चलें बाहर ही चलते हैं, बाहर देखते हैं क्या बिक रहा है। अच्छा इधर भी लॉट पड़ी हैं, ये जो जो होटल वगैरह होते हैं रेस्टोरेंट वगैरह, ये हीटर होता है, ठीक है। जो कभी आपने आउटडोर बैठ के कहीं डिनर शिनर या शीशा पार्टी की हो तो उधर वो ये लगे होते हैं। और बाकी ये डस्टबिन भी पड़ी हैं लॉट के अंदर, ये देखें लोगों ने जो चीज़ें बाय की हैं लेके जा रहे हैं। टायर्स की लॉट भी है, ये बिक चुके हैं टायर की लॉट, कितने के बिकी? ये आपने ख़रीद लिए भाई? किसी और ने खरीदा। कितने का ख़रीदा लॉट? पता नहीं, कोई आइडिया नहीं। अच्छा तो ये हिसाब है भाई, और ये देखें ना टायर सारे इसके अंदर लगे हुए। बात ये है कि भाई पैसा सब कुछ है, पैसा है तो आप बात भी कर सकते हो। ये देखें सारे पाइप्स पड़े हुए और ब्रांड न्यू पाइप्स हैं, ठीक है। और इसकी भी लॉट लगी हुई है पूरी, वो भी पाइप है, ठीक है, अंडरग्राउंड पाइप्स होते हैं। और ये इसको क्या कहते हैं, कार्ट कहते हैं मेरे ख्याल से, लेकिन ये वो एम ई कार्ट नहीं है, 1700 और ऑफ रोडिंग वाली लग रही है मुझे तो, रियर डिफरेंशियल तो नज़र आ गया इसका, फ्रंट देखते हैं जाके। यस बॉस ऑल व्हील ड्राइव है, और ये चेक करें ये भी है, ये मुझे शक्ल से ना इलेक्ट्रिक लग रही है। हाँ नहीं हो भी सकती है, नाइट नॉट आइडिया, बरहाल ये भी 3-4 खड़ी है। तो बॉयज़ अभी हमारी समरी क्या होनी चाहिए? देखिए जी मैं जब तक यहाँ पर कोई चीज़ बाय ना करूँ तो उसका मैं आइडिया दे नहीं सकता, लेकिन काफ़ी लोगों ने चीज़ें देखें, कुछ चीज़ें बहुत महंगी नज़र आई थी, ठीक है, और कुछ चीज़ें देखें एसी मुझे सही लगे। अब आपने बताना है डीसी इन्वर्टर इतने का ही होता है, इन्वर्टर इतने का ही होता है, तो डीसी का तो वैसे ही 2-2.5 लाख, 2 लाख 1,80,000 रुपये रेट है, डेढ़ टन का, तो वो ये तो 2 टन का इन्वर्टर ले गए, अभी डीसी नहीं है ये थोड़ा सा डाउट है। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग भी इंटरनेट से निकाल लेना। तो चलिए बॉयज हम वापस चलते हैं, अब मेरे ख्याल से आप लोगों के देखने का कुछ रहा नहीं है। ये देखें ट्रक का वो पीछे भी लगता है ना बेड, वो भी पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो अभी हमारी यहाँ पे छोटी मोटी होकी है, उई मैं गिरने लगा था, खड्डा था। और हम अपने अब हैवी बाइक पे बैठ के, गरीबों का हैवी बाइक, इसमें बैठ के हम घर चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए वेट कीजिए, कोई अच्छा सा कंटेंट हो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा।
पिछले दिनों स्पीड डाली थी, चार वीडियो तगड़ी डाली थी। आप लोगों ने नहीं देखी पिछली वीडियो जाकर देख लें, मज़ा ना आया। तो वो कहते हैं ना जुत्ती मेरी, मेरा सिर आपकी जुत्ती, ठीक है ना। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा और भी अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ। आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरी एनर्जी वीक हो जाएगी, ठीक है। व्यूज़ अच्छे आते हैं ना तो दिल करता है और अच्छे अच्छा कंटेंट बनाऊँ। व्यूज़ नहीं आते ना फिर कहता मैं क्या मेहनत क्या करे बंदा, दफ़ा करो, तो ये सीन होता है। तो आप लोगों ने जाके वीडियो ज़रूर देखनी है पिछली और अभी की वीडियो पे, माजर के साथ कोई कीमत वगैरह का सीन या तो कोई लॉट का सीन मैं बता नहीं पाया क्योंकि मैं पहुँचे ही लेट हूँ और है मेरे घर से दूर है इसलिए मैं लेट पहुँचाऊँ और ये सीन है सारा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट ऑक्शन में मैं ज़रूर आऊँगा। अगर गाड़ियों की आ रही है तो इंशाल्लाह वो दिखाऊँगा आपको। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।